पैन कार्ड आवेदन हमारे CSP पॉइंट पर। अब फिनो मर्चेंट पॉइंट पर आपको पैन कार्ड की भी सर्विस मिलेगी, जहां आप अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य या दोस्त के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लाइव स्टेटस भी देख सकते हैं। इस सर्विस का जल्द से जल्द लाभ लें, साथ ही इसके बारे में अपने आसपास के भी लोगों को बताइए। आइए देखते हैं पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया। पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए आपको मर्चेंट ऐप या वेब पोर्टल में CSP पॉइंट पर जाना है। आप ई पैन या फिजिकल पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए NSDL का पेज खुलेगा। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। आपको SMS और मेल पर पैन एप्लीकेशन की रिसीट प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी कारण से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो एप्लीकेशन फीस रिफंड हो जाएगी। एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने पर ई पैन 2 से 3 घंटे में ईमेल पर और फिजिकल पैन 4 से 5 वर्किंग डेज में प्राप्त हो जाएगा। आइए अब पैन कार्ड सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया देखें। पिनो के क्विक लिंक्स ऑप्शन में पैन सर्विस पर क्लिक करें। पैन जारी करने के लिए मर्चेंट को हाँ बटन दबाते हुए और शर्तों को मानते हुए एक बार 299 रुपीज 299 का भुगतान करना होगा। इसमें आप न्यू एप्लीकेशन और चेक स्टेटस का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ सिस्टम ये चेक करता है कि आप नए कस्टमर हैं या पुराने अकाउंट होल्डर हैं। अकाउंट होल्डर की अमाउंट डेबिट करने के लिए अकाउंट चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद आप ई पैन या फिजिकल पैन में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। फिजिकल पैन का ऑप्शन चूज करने पर एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जिसमें पैन एप्लीकेशन फीस दिखाई देगी। पैन कार्ड एप्लीकेशन में दर्ज एड्रेस पर भेजा जाएगा। इसके बाद गाइडलाइन को पढ़कर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। यदि आप फिनो अकाउंट होल्डर है तो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और नॉन KYC अकाउंट होल्डर के लिए OTP लिया जाएगा। यदि अकाउंट होल्डर नया कस्टमर है तो मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें। उसके बाद NSDL की साइट खुलेगी। उसके बाद दिए हुए बॉक्सों के अनुसार सारी जानकारी भरें। सभी जानकारी भरने के बाद में OTP बेस्ड eKYC या बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC ऑप्शन सिलेक्ट करें। OTP बेस्ड eKYC के लिए रजिस्टर मोबाइल में प्राप्त OTP दर्ज करें। आपका eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाने पर मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद e-sign जरूरी है। e-sign करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, OTP बेस्ड e-sign और बायोमेट्रिक बेस्ड e-sign। अगर बायोमेट्रिक बेस्ड e-sign ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है तो मंत्रा डिवाइस सिलेक्ट करें। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करें। आधार नंबर दर्ज करें। सेंड OTP पर क्लिक करें। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। आपका e-sign ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाने पर मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन पर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी शो हो जाएगा। SMS के माध्यम से ग्राहक को एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट रिसीट और पैन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मेल के माध्यम से प्राप्त जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप हमारे मर्चेंट पॉइंट पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।